अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वाइफ जरा तैयार हो रही थी, मैं रोजाना ही उनसे पहले चाय बना लेता हूँ, तो वह भी मैंने धो के रख दी है, तो वो मैं रख दूंगा। उतनी देर में ये चाय रेडी हो गई है मेरी, अभी मैं तवा रखने लगा हूँ, वो मैंने पहले धो के रख लिया था। अभी बच्चियां तैयार हो रही हैं, वाइफ उनको रोटी बना देगी और मैं उनको लेके स्कूल चला जाऊंगा। और दुआ किया करें, अल्लाह ताला मेरे हाथ में बेहतर करे। आमीन जी आमीन। मिलके ही होता है ना ये सारा, लेकिन ना मैं भी तो हाल ही एक ही औरत हूँ ना, तो फिर ये मेरे साथ मिलके काम करा देते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं बनाऊंगी रोटी बच्चों के लिए, बच्चों ने चले जाना होता 6:45, तो फिर हम फटाफट ये काम करके हम खत्म। हमने जाना होता 7:30, बच्चों ने जाना है 7:45, तो ये फिर छोड़ने चले जाएंगे। चले फिर ठीक है, हम रोटी बनाते हैं, फिर आपको सारे दिन की रूटीन बताएंगे क्या करते हैं हम लोग सारा दिन। होंगे ये हाथ में, आज इन्होंने सुबह सुबह लहसुन पकड़ लिया है, ये लहसुन और ये पानी। तो ये लहसुन अच्छा होता है, जिसको यूरिक एसिड वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल है, तो जब हमारा खून पतला हो जाएगा तो फिर ये मसला भी खत्म हो जाएगा। और मुझे इस चीज का मसला है, तो मैं ये खाऊंगी लहसुन सुबह सुबह, नरमे पेट में लहसुन खाती हूँ। तो ये पानी साग गर्म करके हस्बैंड जी सिर्फ पानी पीते हैं, और मैंने ये लहसुन भी खाना होता है, इससे मोटापा भी कम होता है। तो फ्रेंड्स ये खाएं आप लोग भी, जिनको ये मसला है, जिनको ये प्रॉब्लम है। पीस करके खाती हूँ इसको, और बाकी तो लोग इसको चबाते हैं, मेरे से चबा के नहीं खाया जाता, मैं ऐसे जैसे मेडिसिन खाती हूँ ना वैसे इसको खा लेती हूँ। कड़वा आपको पता होता है, तो फिर मैं ऐसे जी छोटे छोटे पीस करके खा लेती हूँ इसको। मेरे पास भी कोई इस तरह का है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, टोटका शोट का। बाबा जी आए थे स्कूल में, उनकी हो गई थी बेचारों की चोरी। तुम फ्रेंड्स सुनाएं क्या हाल है, ठीक है? हम भी आपकी। तो मैं आ गई थी घर, तो मैं बनाने लगी थी खाना, तो बताऊंगी कल बाबा जी की चोरी कैसी हुई थी। बेचारे बड़े ही परेशान थे, फिर मैंने थोड़ी बहुत उनकी हेल्प की। अल्लाह रहम करे हर किसी पे। ये हस्बैंड जी जा रहे हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये चावल हो गए हमारे रेडी, और हमने खाने लगे।